अब देखते हैं, हमने सिंधी लिखने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लिया है, तो कैसे लिखेंगे सिंधी? सबसे पहले आपने यहाँ पे डायरेक्शन को राइट कर लेना है और यहाँ पे राइट अलाइन कर लेना है और यहाँ पे जाके फॉन्ट्स ले लेना है एमबी लतीफी, जो हमने लास्ट टाइम इंस्टॉल किया था। एमबी लिखेंगे तो भी आ जाएगा, एमबी अहमद सुमरो भी आ रहा है, जमील नूरी नसली को उर्दू का फॉन्ट है और एमबी लतीफी भी आ रहा है, और अभी हमने एमबी नरगिस भी किया था तो वो फॉन्ट भी हमें यहाँ मिल जाएगा। तो जो भी सिंधी के फॉन्ट्स हैं वो आपने पहले यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। एमबी लतीफी, खुर्शीद, अहमद सुमरो और ये नीचे आ रहा होगा सिंधी वेब, और नरगिस वाला भी इधर ही कहीं आ रहा होगा, नरगिस के नाम से था, किस नाम से था, ठीक है। तो बहरहाल अब यहाँ से हमने इसको चूज कर लिया, ये फॉन्ट आ गया मेरे पास, और फॉन्ट आने के बाद मैंने इसका फॉन्ट साइज को बढ़ा के लिया 20 तक, और वही उर्दू वाले की तरह डायरेक्शन राइट अलाइनमेंट राइट कर लेना है। और यहाँ पर आप अपने अपना एक कीबोर्ड का लेआउट भी खोल लें ताकि आपको कोई अल्फाज अगर सिंधी का नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे देख सके। ये लेआउट भी हमने खोल लिया है यहाँ पे, फिर आ जाएं वर्ड के ऊपर। अब यहाँ पे देखें, क्लिक करेंगे लैंग्वेज वाले बार पे तो ये आपको सिंधी का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे सिंधी लेंगे तब आप सिंधी टाइप कर सकेंगे। सिंधी के कीबोर्ड के लेआउट को समझ लें, यानी कि जब आपका कैप्स लॉक ऑफ है, यानी कि मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ, ओके। जब आपका कीबोर्ड लेआउट ऑफ है, मतलब कैप्स लॉक ऑफ है, तो यहाँ पे देखिए अलिफ से ए से अलिफ आएगा, एस से सीन आएगा, दाल से डी आएगा और डी से दाल आएगा। अच्छा, यहाँ पे तीन, क्योंकि सिंधी में लेटर्स थोड़े ज़्यादा होते हैं तो इसको क्या कहते हैं हम, डे। तो डे आएगा आपका किससे, ये इस वाले की से जिसका नाम है फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ पे जाएंगे छे, छे आएगा उसके बराबर में स्क्वायर ब्रैकेट ओवर से, और छः आएगा वो स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट से। डायरेक्टली आप लेंगे इक्वल तो आएगा डे, और अगर लेंगे माइनस तो आएगा डे, और फिर इस तरीके से आगे चलता चला जाएगा सिलसिला। और यहाँ पर ई, जो उर्दू में यू से आ रहा था ई, साइंस आई वाई, वो आएगा क्वेश्चन मार्क से, ठीक है, हम जाइए बाकी तो सिलसिला। अब अगर आएंगे शिफ्ट के साथ, अगर आप शिफ्ट के साथ दबाएंगे अपने कीबोर्ड को, तो शिफ्ट के साथ अगर ए दबाएंगे अलिफ मद्दा, डी दबाएंगे डे, और यहाँ से आ जाएंगे तो शिफ्ट के साथ ये दबाएंगे अगर इसको तो आएगा ठे, और शिफ्ट के साथ अगर दबाएंगे ये तो आएगा जे, और इसके साथ दबाएंगे अगर हम इसको आई थिंक सो इसको जो स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट है तो आएगा ये, और अगर दबाएंगे पी को तो आएगा फे, ठीक है। इस तरह से जे आएगा शिफ्ट के साथ जे दबाने पर, घे आएगा शिफ्ट के साथ जी दबाने पर, और ये वाला भे दोबारा आएगा शिफ्ट के साथ पी दबाने पर। हाँ, इसमें ये है कि एम दबाएंगे डायरेक्टली तो मीम आएगा, और शिफ्ट के साथ एम दबाएंगे तो मे आएगा, एन दबाएंगे डायरेक्टली तो नून आएगा, शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप मजीद जैसे आऊं लिखना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ अली मद्दा और ये आ गया आऊं, या आई शिफ्ट के साथ कौन सा दबाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, शिफ्ट के साथ 7 दबाएंगे आई आ जाएगा, आऊं हाँ आ ई, तो इस तरह से है वो यहाँ मिल जाएंगे आपको। अच्छा, उसके बाद अगर आप अल्टर शिफ्ट सीधे हाथ का दबाएंगे, सीधे हाथ का अल्टर शिफ्ट दबाएंगे तो गिनती आएगी सिंधी की, ठीक है, और यहाँ पे दो जेड लगाने थे, क्यू से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, डब्ल्यू से बी से बिस्मिल्लाह रहमान, एन से अल्लाह, मीम से मोहम्मद लिखा हुआ जाएगा, और इसके अलावा अलैहिस्सलाम, सल्लातु वस्सलाम, रहमतुल्लाह अलैह, और इस तरह की तस्दीक और बाकी सारे मामला आपको अल्टर शिफ्ट राइट हैंड वाले से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था, अब आइए थोड़ा सा लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं शिफ्ट के साथ यहाँ दबाया और सिंधी को सिलेक्ट कर लिया, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एन न्यू ई ओ न्यू अल हुसैनी। अच्छा, सिंधी लिखना आसान है उर्दू से भी, क्योंकि इसका लेआउट बहुत अच्छा है कीबोर्ड का, हुसैनी अल हुसैनी कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस, शिफ्ट के साथ डायरेक्ट दबाएंगे साइंस एंड, अब ये जो दो नुक्ते वाला है वो कैसे आएगा, एंड, ठीक है, इंफॉर्मेशन, शिफ्ट के साथ एस, टेक्नोलॉजी ठीक है। इस तरह से आप इसमें टाइप करते चले जाएंगे और आपका सिंधी पर भी हाथ सेट हो जाएगा, ठीक है।